समय मेरे साथ हैं डॉक्टर बी आर कम्बोज, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर या कह लीजिए प्रभारी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस किसान मेले के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यस्टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद। निश्चित रूप से इस तरह के जो आयोजन हैं, जिसमें एक छत के नीचे सभी विभाग होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो हमारे सुविधा प्रदान करने वाले विभाग हैं, और मुख्य उद्देश्य जो आज के दिन प्रधानमंत्री जी का एक आदेश है, एक उन्होंने नारा भी दिया है कि हमें किसान की आय दुगनी करनी है, और वो तभी संभव हो सकती है कि जब हम विविधीकरण की तरफ जाएं। और विविधीकरण न केवल फसलों का, उसमें हमें पशुपालन को भी लेना है, मछली पालन को भी लेना है, भेड़ पालन को भी लेना है, और इसके साथ साथ जितना भी ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे अधिकारी है, चाहे मेरा किसान है, चाहे महिला किसान है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है। और जो हमारे राजनेता भी हैं, क्यों न उनको भी इस तरह के आयोजन में आमंत्रित किया जाए, वो कैसा सोचते हैं, उनके दिए निर्देशों अनुसार वो जो भी सुझाते हैं, हम अपनी स्कीमों को भी बदलें, और हमें जहाँ पे शोध की आवश्यकता है वो भी हमें शोध करना है। तो ये आयोजन दोनों के लिए खुशी का विषय होता है कि हम लोग यहाँ से किसान से सीखते भी हैं, किसान को सिखाते भी हैं, ताकि हम भविष्य में किस पे शोध करें उसके बारे में जानकारी मिले, और कौन सी स्कीम हमारे किसानों के लिए अच्छी हो सकती है उसको भी हम जान पाए। सर, आमतौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी जो फल जो ये सब्जियां वो बोते हैं उसमें किस तरह की समस्याएं? निश्चित रूप से दो समस्याएं हैं हमारे सामने, जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने। एक तो हमारी जोत बहुत छोटी है, और जब जोत छोटी होती है तो मशीनीकरण उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो बात है वो मंडीकरण की, कि हमारा किसान अभी इतना जागरूक नहीं है, और इतनी मात्रा में उसके पास माल नहीं है कि वो मंडीकरण अच्छे से कर पाए। यदि वो मंडीकरण कर पाएगा अच्छे से, और उसके लिए सरकार ने आज के दिन प्रोसेसिंग के लिए पैसा दिया है, किसानों के ग्रुप बनाए हैं ताकि वो इकट्ठा होकर ग्रुप के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, और जब ज़्यादा मात्रा में उसके पास माल होगा, निश्चित रूप से वो भी मार्केट में खड़ा हो पाएगा, और हमें किसान को एक खुदरा व्यापारी बनाना पड़ेगा। आज वो थोक का व्यापारी है, हर चीज़ थोक में बेचता है, खुदरा में खरीदता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा किसान वो खरीदे तो थोक में, और बिक्री यदि वो खुदरा में करेगा तो निश्चित रूप से हम आगे चले जाएंगे, और जो ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, इसको आय दुगने करने में हमें ज़्यादा समय मिल रहा है। सर, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की टेक्निक्स किसान को अपने इसमें यूज़ करनी चाहिए, जब वो उपजाऊ करता है या जब भी वो खेती करता है? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी संसाधन उसके पास है, उसके पास पानी कितना है, जोत कितनी है, उसके हिसाब से वो चुनाव करे कि वो कृषि के साथ पशुपालन अच्छा रहेगा, या मछली पालन अच्छा रहेगा, या वो मशरूम की खेती करेगा, या खुम्ब की खेती करेगा, या वो मधुमक्खी पालन करेगा। दूसरी बात, उन संसाधनों का संचय करना कि जो आज के दिन मौजूदा हमारी तकनीकें हैं, उनको भी किसान को अपनाना पड़ेगा, चाहे वो समतलीकरण के लिए लेजर लेवलिंग की हम बात करें, चाहे हम जो हमारे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर की बात करें, चाहे हम उसके साथ मछली पालन को जोड़ें, और मछली पालन को करने के लिए हमें सुविधाएं कहां कहां से मिलेंगी, उन सब चीज़ों का समन्वय जब वो करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे जाएगा, और हम इन समस्याओं से निदान पाएंगे और हम आगे चले जाएंगे। इस देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, और सभी का विकास होगा। किसान यदि आगे बढ़ेगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। सर, एक आम समस्या सुनने में आई है किसानों की, जो यमुना नगर के किसान हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो धरती है उसमें नमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें गेहूं की फसल में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उससे वो किस तरह से निजात पा सकते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया है, और उसका मुख्य कारण है कि ये सिंचित इलाका है, और इस इलाके में हमारे किसान भाई अब भी पहले पानी देते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं, और निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में उस पर नमी ज़्यादा रह जाती है, और जब वो प्रथम सिंचाई करता है ज़्यादा पानी की वजह से फसल को नुकसान होता है। यही हम कह रहे हैं कि यदि वो हैप्पी सीडर से बिजाई करेगा, उसको पहला पानी देने की आवश्यकता नहीं है,
उसके खेत में नमी इतनी होगी जो उसको धान की फसल से ही मिल जाएगी, उसका पानी बचेगा, नमी कम रहेगी, भड़वार अच्छी रहेगी। जब वो प्रथम सिंचाई देगा वो सारा जो पानी है जड़ में ना खड़ा होके नीचे चला जाएगा, उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और नमी जब कम रहेगी तो निश्चित रूप से कीड़े बीमारियां भी कम आएगी और उसका उत्पादन भी ज्यादा। सर एक आखिरी सवाल कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने किसान भाइयों को सबसे पहला तो संदेश यही देना चाहूँगा कि जिस तरह के भी आयोजन उनके लिए आयोजित किए जाएं उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लें, और वहाँ पे अब समय आ चुका है कि किसान के पास जो अनुभव है वो जरूर दे, वो अपनी समस्याओं को रखे और उसके समाधान में हमारा भी वो साथ दे, और इससे भी बढ़ के जो आधुनिक तकनीकें जो आधुनिक व्यवसाय हैं उनकी तरफ भी वो जाए, तभी उसकी आमदन में बढ़ोतरी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए।